देव का गोरखपुर की शूटिंग उसकी शुरू हो गई। यहाँ पर जासूसी पर बन रही इस भोजपुरी फिल्म की पहले दिन की शूटिंग गोरखपुर विकास प्राधिकरण से शुरू हुई है। हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने सांसद रवि किशन से खास बातचीत की है, सुनिए। सांसद रवि किशन जी ने एक फिल्म बनाने का निर्णय लिया है जो 5 भाषाओं में जल्ला है और निश्चित रूप से इस फिल्म का नाम है महादेव का गोरखपुर। क्या कुछ इस फिल्म का पूरा उद्देश्य है, किस तरीके का रोल है और क्या कुछ पूरा थीम है? सांसद जी, एक फिल्म आप जो शुरुआत करने जा रहे हैं गोरखपुर में, सारी शूटिंग गोरखपुर में होगी और इस फिल्म का नाम आपने रखा है महादेव का गोरखपुर, क्या है इस फिल्म का टाइटल 5 भाषाओं में फिल्म? देखिए, ये टर्की से फिल्म कहानी शुरू होती है, टर्की से खबर आती है हमको, एक लाइन में बताएंगे कि कुछ लोग अटैक करने वाले हैं नेपाल के रास्ते गोरखपुर घुस के, कौन आएंगे, कहाँ अटैक करेंगे, यूपी में गोरखपुर करेंगे, काशी करेंगे, लखनऊ करेंगे, कहाँ मालूम नहीं। अब उसी को मैं एक ऑफिसर के रूप में डिकोड करना है और उसी को हमको जानना है कि ये क्या हो रहा है और ये कौन लोग हैं और ये तुर्किस्तान से क्यों आ रहे हैं। इस फिल्म का नाम महादेव का गोरखपुर क्या क्या पीछे? देखिए, शिव जी का एक शिवलिंग से जुड़ा बहुत इम्पोर्टेंट इसमें हिस्सा है, एक बहुत ही पावरफुल शिवलिंग जिसकी बहुत चमत्कारी, जो पूरे भारत को बचा के रखा है, वो शिवलिंग से जुड़ी हुई कहानी है। बिल्कुल, महादेव का ये जो गोरखपुर फिल्म है उसे महाराज जी ने भी देखा है और बाकायदे उसको प्रोत्साहित भी किया है और निश्चित रूप से महादेव का ये जो गोरखपुर फिल्म है वो अपने आप में बेहद अहम फिल्म माना जाएगा आने वाले समय में और तकरीबन ये माना जा रहा है 2023 से पहले पहले ये फिल्म बनकर तैयार होगा। और जिस तरीके से इस फिल्म की बात कही जा रही है, एक बड़ा चेहरा इस फिल्म के सामने आने वाला है। इस फिल्म में अभी भले नाम नहीं सामने आया लेकिन एक बड़ा चेहरा जरूर आएगा और निश्चित रूप से इस फिल्म का नाम जो दिया गया है महादेव का गोरखपुर, उसी को लेकर के इस पूरी फिल्म को बनाया जा रहा है और यहाँ के लोकल कलाकारों को उसमें पूरी तरह से जगह दी जाएगी। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर।